हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको चार शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। और क्यों बातें करने वाला हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे और आप पैसा बनाते रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आपका फ्री में डीमैट अकाउंट हो जाएगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उधर से फ्री अकाउंट ओपन कराते हैं, फ्री में डीमैट अकाउंट। कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है, एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, एवरीथिंग से भी रजिस्टर्ड है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो आप यहाँ पर जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं और यहाँ पर अपना ट्रेडिंग और डीमैट जो भी आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि 21 फरवरी, मतलब सॉरी 1 फरवरी, ओके, मतलब 1 तारीख को लगभग लगभग 25 दिन है। ओके, इन 25 दिनों में मार्केट में आपको लगभग 25 से 30% के रिटर्न मिल सकते हैं, और वो भी किन स्टॉक्स में मिल सकते हैं, उन चार स्टॉक्स के रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ। तो पहली बात तो बजट है, ओके, और इन बजट आने पर, और इस बार का जो बजट है, कह रहे हैं कि कुछ यूनिक बजट होगा, सबसे अलग बजट होगा जो आज तक इंडिया में नहीं आया होगा। तो उसी से रिलेटेड ये शेयर्स है। तो मैं चार शेयर आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत तेज भाग सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले तो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, IRCTC जिसे कहते हैं। देखिए, आपको पता ही है, अभी अपडेट हुआ था और इसका एप्लीकेशन भी अपडेट हुआ है, और पिछले 5 दिन में अगर हम देखें तो अच्छी खासी इसने जंप करती हुई हमें नज़र आई है। अगर हम टोटल 12 से 3-4% का यहाँ पर जंप देखा गया है। OFS आया था, OFS के बाद देखिए यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21 फरवरी, ओके, 1 फरवरी, 1 फरवरी से पहले पहले आपको लगभग 12% के जो रिटर्न्स है ना, 12 से 13% के रिटर्न विद इन 25 से 26 दिन के अंदर अंदर आपको मिल सकते हैं। तो इन शेयर की तरफ आप नज़रें बना के रखना, ये शेयर और ये लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्टस से भी काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। और ये अगर आप रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो ये भागना आप शुरू किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। अगर हम 1 महीने की बात करें, यहाँ पर देखें यहाँ से गिरावट हुई, OFS आया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट ही कर रहा है, बट धीरे धीरे ये भागना शुरू कर रहा है। और जैसे ही भागेगा, आपको ये लेवल जो 1700 का लेवल है, ये तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और जो इसका हाईएस्ट लेवल है, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, लगभग 2000 रुपये का, वो भी आपको मिल जाएगा, और इससे आगे भी भाग सकता है। तो इसकी तरफ नज़रें बना के रखना। इसके अलावा जिस दूसरे शेयर की मैं आप बात कर रहा हूँ, उस शेयर का नाम है हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड। अब ये करता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हिंद रेक्टिफायर फाउंडेड 1958 कोलाबोरेशन विद वेस्टिंग हाउस ब्रेक एंड सिग्नल यूके, हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग पावर सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। तो रेलवे से रिलेटेड ही ये स्टॉक है, तो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है। और ऑलरेडी इंडियन रेलवे ने इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ऑर्डर दे के रख रखे हैं, और इसी बीच में दे रखे। और जैसे कि आपको पता है, नई नई रेल लाइन दोबारा मोदी साहब ने बता दिया कि ओपन बनने वाली है। तो इस कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा होने ही वाला है, क्योंकि ये रेलवे के लिए इक्विपमेंट बनाती है और अच्छा ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है। तो ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे सकती है। और अभी अगर मैं बात करूँ इसके और 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई से यहाँ पर ना देखिए लगभग लगभग 32% लो है ये शेयर। और जैसे जैसे रेलवे शुरू शुरू होगी, एक तो भागी गई, और जैसे कि बजट आ रहा है, तो बजट में इन कंपनियों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर रखा जाएगा, क्योंकि इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑब्वियस सी बात है, इंडिया गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी में मिल सकता है। तो इसकी तरफ भी नज़र बना के रख सकते हैं, बाय ऑन डिप्स पर खरीदारी करिए, और इस लेवल पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ के। और बाकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, पॉजिटिव ही है, वॉलेटाइल शेयर है, वॉलेटाइल शेयर है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, तो पहली बात तो बोनस वगैरह दिखा देता हूँ। इस शेयर ने, इस कंपनी ने ना आपको बहुत, मतलब 3 बार तो बोनस दिया है, एक बार राइट इशू भी लाया है, एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर डिविडेंड, डिविडेंड तो कंपनी देती आई है, बोनस देखिए 3 बार बोनस दे चुकी है, स्प्लिट भी दे चुकी है। और बोनस देखिए 2008 में दिया था, 2005 में दिया था, 1995 में दिया था, और अभी काफ़ी टाइम से बोनस नहीं दिया है कंपनी ने। और बाकी
डिसेंट ही कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक इसकी बैलेंस शीट भी है। रिजर्व्स देखिए लगभग बढ़ते हुए मैनर में है, 93 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। बोरोइंग ऑब्वियस सी बात है 15 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म एंड 70 करोड़ रुपीज़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह सकते हैं। एज वेल एज हम बात करें इसके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कैश इक्विवेलेंट लगभग 3 करोड़ रुपए का इनके पास कैश इक्विवेलेंट है। और बोरिंग तो ऑब्वियसली बात है होना क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं तो बोरिंग भी लेनी पड़ती है। आज के दिन में ही देखिए लगभग अगर हम देखें तो लगभग 7% की जंप देखी गई है। तो इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना सकते हैं। 52 वीक लो हाई से काफ़ी नीचे है, नीचे ये ट्रेड कर रहा है तो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। एज वेल एज जिस कंपनी की दूसरी बात कर रहा हूँ वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल आपको पता ही है टाटा ग्रुप का एक शेयर है, काफ़ी फंडामेंटली साउंड शेयर है। ओके एंड केमिकल से रिलेटेड ये काम करता है। आप एक बार इसकी वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई यहाँ पर देख सकते हैं 775 रुपये का सिर्फ 52 वीक हाई था और उसके बाद ये शेयर गिर गया था। और गिरने के बाद देखिए जंप तो अच्छी खासी इसने अभी तक लगा दी है बट अभी भी 35 से 36% डाउन है। और ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न बहुत कम समय में दे सकता है। और एज वेल एज यहाँ पर बात बताई जा रही है कि बजट में केमिकल्स कंपनी के लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा। देखिए 150% के रिटर्न तो यहाँ पर दे चुकी है। एज वेल एज अगर बात करूँ तो ये कंपनी आपको 50% के रिटर्न या जो के बचे हुए वो रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और बजट में इनके लिए केमिकल्स कंपनी के कुछ अलग ही रखा गया। और टाटा के ग्रुप का शेयर है तो ऑब्वियस सी बात है भागना तो लाजमी है। एज वेल एज इसकी अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही ये वॉलेटाइल शेयर जरूर है। ओके गिरता भी ज़बरदस्त है जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर भी गिरा है, यहाँ पर भी गिरा है, यहाँ पर भी गिरा है और यहाँ पर भी गिरा है, फिर यहाँ से यहाँ भी गिरा है, बट उसी तरीके से उठता भी है और यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम में शायद पहुँच जाए और आपको अच्छा खासा रिटर्न ये दे दे। और इसी से रिलेटेड एक कंपनी और है रैलीज इंडिया लिमिटेड। रैलीज इंडिया लिमिटेड भी टाटा केमिकल्स की ही कंपनी है। ओके अगर मैं बात करूँ इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, काफ़ी बेहतरीन है। आज के दिन ही लगभग 5 पॉइंट की जंप है। वॉलेटिलिटी देखिए इस शेयर में भी दिखाई देगी, गिरावट इस शेयर में भी दिखाई देगी बट रिटर्न्स के मामले में देखिए ये कंपनी टाटा मतलब जो बच्चा होता है ना, बच्चा बाप से भी तेज भाग रहा है ये कह सकते हो, क्योंकि टाटा केमिकल्स इससे बड़ी कंपनी है बट रिटर्न्स के मामले में ये देखिए ये उससे ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि देखिए गिरी भी एक कम थी, टाटा केमिकल गिरी ज़्यादा थी। एज वेल एज टाटा केमिकल अभी 52 वीक हाई तक पहुंची भी नहीं है और ये 52 वीक हाई को क्रॉस करके अच्छा खासा रिटर्न आपको दे चुकी है। तो ये एक रैलीज इंडिया की तरफ भी नज़रें बना के रखिएगा। टाटा ग्रुप का शेयर है। एज वेल एज किस सेक्टर में काम करती है तो क्रॉप प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीड्स, प्लांट ग्रोथ, एग्री सर्विस। तो ये कहीं ना कहीं प्लांट्स के जो केमिकल्स होते हैं उनमें ये काम करती है ये कंपनी। क्या नाम है, रैलीज इंडिया लिमिटेड। अगर मैं इसके बात बताऊँ इसकी बैलेंस शीट, तो इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है। इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। और इन पर्टिकुलर शेयर के रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो और बहुत जल्दी आपको ला दूंगा जिसमें मैं इससे बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ एक बार हम देख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।